सफरनामे में अब तक मैं घूम चुकी थी असम के गुवाहाटी, मेघालय के शिलोंग, चेरापूंजी, अब बारी थी अरुणाचल प्रदेश के तवांग की। अरुणाचल प्रदेश की सीमा में कदम रखते ही चेक हुआ हमारा परमिट पास, जहां हमें हमारे ड्राइवर भैया ने बताया कि भारी बारिश के कारण हुई लैंडस्लाइड से आगे रास्ता बंद है। कुछ ही देर में सफर फिर शुरू हुआ। पहला पड़ाव पार करके अब मैं पहुंच चुकी थी दूसरे पड़ाव पर, जो था भालुकपोंग। भालुकपोंग अपनी खूबसूरती और भयावकता दोनों के लिए जाना जाता है। बारिश के मौसम में यहां लैंडस्लाइड आम बात है। चेरापूंजी में जहां पर मैं झरने देखने के लिए तरस गई थी, भालुकपोंग में मेरा स्वागत ही भयावह और भीमकाय झरने ने किया। लोगों को फोटो खिंचाते देख मेरे मन में भी फोटो खिंचाने का उत्साह जागा, लेकिन अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट होने के कारण मैं ये साहस नहीं जुटा पा रही। अब लोगों के जाने के बाद मैं धीरे धीरे सधे कदमों के साथ फिसलन भरे रास्ते से होकर झरने के पास फोटो खिंचाने पहुंच गई। सोचा हीरोइन की तरह मैं भी मस्त पोज देकर फोटो खिंचाऊंगी, लेकिन बचपन से ही अंतर्मुखी होने के कारण मैं यह कार्य नहीं कर पाई। और बहुत ही जल्द मुझे यह एहसास हो गया कि यह कार्य मेरे बस का है ही नहीं, और चुपचाप जल्दी से आके अपनी गाड़ी में बैठ गई। भालुकपोंग में अब समय काफी हो चला था। 4.5 घंटे के इंतजार के बाद बारिश द्वारा हुई लैंडस्लाइड अब BRO साफ कर चुकी थी। गाड़ियों का काफिला एक के बाद एक अब निकलने लगा था। अपने दूसरे और खतरनाक पड़ाव को पार करने के बाद भगवान को धन्यवाद करके मैं निकल चली अपने सफर को पूरा करने। भालुकपोंग में हुई देरी के कारण अब हम तवांग देर से पहुंचेंगे, यानी रात के 10-11 बजे। अरुणाचल प्रदेश जिस ऊंचाई पर है, उस ऊंचाई पर इस तरह के बादल दिखना बहुत आम बात है। आज सच में लग रहा था कि मैं ऊपर और आसमान नीचे। अरुणाचल प्रदेश की सुबह जितनी खूबसूरत और दृश्य जितने मनोरम है, यहाँ की रात उतनी ही भयावह। पहाड़ी राज्य होने के कारण यहाँ के रास्ते बहुत ही घुमावदार है, लेकिन वो सफर भी क्या जिसमें रोमांच न हो। इस रोमांचक सफर को पूरा करूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।